इन्फो इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें। ये आज हमारे पास में एक चाइना टीवी है, उसका सर्विस मोड कैसे खोलेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये इस टाइप का रिमोट है, आप पहले रिमोट को सेट कर लीजिए। जिस सेट का सर्विस मोड खोलना है तो ये पहले आपका ये रिमोट कम्प्लीट काम कर रहा है, देखो रिमोट काम कर रहा है। इसके साथ में ही ये रिमोट इस टाइप का है, एक बार कंफर्म आप चेक कर लीजिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। 57LO ये इसके नंबर है, 57LO। और यहाँ एक देखो ये छेद है, इसके अंदर आपको प्रेस करेंगे तो इसकी फैक्ट्री खुल जाएगी। एक बार इसको लगा के चेक करता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ आ गया। इस रिमोट की फैक्ट्री की काम नहीं कर रही है, मैं दूसरा रिमोट ले लेता हूँ। ये काम कर रहा है, यहाँ पे देखो ये फैक्ट्री रीसेट है, ये प्रेस की है। ऐसा कोई भी आपका ये सेम नंबर का आप रिमोट ले सकते हो। ये फैक्ट्री, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट ओपन हुआ, उसको वापस देखो, फिर को प्रेस करेंगे आप तो ये खुल जाएगा। इसके साथ में वापिस आपको ये RC पहले फैक्ट्री प्रेस करना है, उसके बाद में डिस्प्ले के बाद में 0 नंबर प्रेस करोगे तो आपका डिस्प्ले जो भी आपको काम करना है कर सकते हो। उसके बाद में 1 नंबर पे आपको वर्टिकल की नहीं हाइट ने सब मिलेगी। अगर हाइट कंट्रोल आपको चेक करना है तो सबसे ऊपर है हॉरिजॉन्टल, सबसे ऊपर है ये रेड कलर में, ये ओरिजिनल का है। इसकी सेटिंग इधर इधर किसका नहीं हो तो आप वो कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड नंबर है वर्टिकल 3, इसको ये रिमोट के ऊपर ध्यान रखें। ये वॉल्यूम की कीच है, ये इसके नंबर कम तेज हो गए, नंबर चेंज करना हो तो आपको वॉल्यूम से करना है। और अगर आपको ये दूसरी को लाइन में जाना है तो आपको ये चैनल प्रेस करके आप जा सकते हो। पहले इसको मैं देखो ये छोटा कर लेता हूँ, एक बार देखो आराम से राष्ट्र के ऊपर देखे, ये देखो आपका ये कंप्लीट आ गया, ऐसा भी हो गया। तो आपको वापस ये अभी प्लस कर रहा हूँ, प्लस करने से आपको जहाँ सेटिंग रखनी है वहाँ रख लेना, आराम से देखते रहिए आप, ये कंप्लीट है। आपको जैसे जैसे आपको दिखता है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके साथ में ही ये वर्टिकल की इसकी 20 की लेंथ का चेंजिंग करनी हो तो ये सब वर्टिकल के और ओरिजिनल के सेक्शन के सेटिंग ही है। आपको वापस इसके अंदर वापस देखिए, 2 नंबर पे जाएंगे, 2 नंबर पे देखो हाइट वाइट, इसकी चेंजिंग करने के लिए है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो टॉप बटन, ये बॉटम है, ये सब ओरिजिनल का सेटिंग है। इसके साथ में 3 नंबर पे ओपन करते हैं, ये सब देखते हैं कि ये कलर से सब सेटिंग आती है। वापस 4 नंबर पे जाएंगे तो ये सब सेटिंग है, ये पूरी कंप्लीट ही है। और वापस 5 नंबर, ये 5 नंबर पे EGC और ये सब सेटिंग आएगी आपको। और ये 5 नंबर तक ये वापस आपको अगर 0 पे जाओगे तो ये आपकी कलर सेटिंग आएगी। ये कलर की अगर सेटिंग करनी है तो आपके ये नंबर है उसे इसको चेंज करेंगे तो आपका कलर का जो भी आपको आपकी आवश्यकता अनुसार ये कलर की सेटिंग कर देना है आपको। इस बात का ध्यान रखें आप, ये कलर की ये सब ये रेड कलर की सेटिंग है 110 है और ग्रीन की 110 की हुई है, ये ब्लू कलर की 110 है और ये विकट है, ये उसको जो मिनिमम जो संख्या दी हुई है 80 और 90 है। और ये देखिए आपके जो भी सेटिंग देखनी है उसके हिसाब से आपको अगर बाहर निकलना है इसे तो वापस आपको डिस्प्ले प्रेस करेंगे। वापस रिमोट की को एक बार चेक कर लीजिए आप, ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले प्रेस करते ही बाहर निकल जाएगा। ये डिस्प्ले प्रेस करता हूँ,
आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें, और पुनः आपका खूब खूब आभार।